इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम पहचान देखते हैं। सबसे पहले हिंदी में इसकी पहचान होती है ता है, ते है, ती है। यानी कि जिस भी वाक्य में अगर कहीं अंत में ता ते ती आ जाए तो वहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम यूज़ करेंगे। ओके, अब आप नीचे सम सेंटेंसेस देखिए। ये देखिए, राम खेलता है। इस सेंटेंसेस के लास्ट में आप लोगों ने देखा कि ता है का यूज़ हो रहा है। इससे अगले सेंटेंसेस में बच्चे स्कूल जाते हैं, यहाँ पे ते है का यूज़ हो रहा है। फोर सेंटेंसेस में ती है का यूज हो रहा है। सीता गाना का ती है का यूज हो रहा है लास्ट में। और उसके बाद है लड़कियां घूमती हैं, ती है ना यहाँ पे। तो ये इनकी लास्ट में आ चुका है। अब ये तीन तरह से हो सकते हैं, ये तीन तरह से होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब आइए अफर्मेटिव बताता हूँ। अफर्मेटिव होते हैं जो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होते हैं जिनमें कोई भी प्रश्न नहीं किया जाता, ना ही कोई नेगेटिव चीज़ की बात होगी। और नेगेटिव जो है सेंटेंसेज में नो और नोट का प्रयोग हम करेंगे। ओके, और लास्ट हमारे इंटरोगेटिव है जो कि आपको शायद पता होगा, जिसमें हम क्वेश्चन का यूज़ करते हैं। तो मम्मी तीनों को समझेंगे बारीकी से। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। तो अफर्मेटिव सब्जेक्ट की फॉर्मेशन हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट प्लस की फर्स्ट फॉर्म प्लस ईएस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि किसी सेंटेंस में हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ई एस या एस, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। जैसे कि राम खेलता है, ये सेंटेंसेस मैंने ऊपर भी लिख दिया है, यानी कि खेलता है, ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। तो इसका आ जाएगा राम सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, और उसके साथ ऐसी या ई एस या पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये खाली है। इसी अगले सेंटेंस में बच्चे स्कूल जाते हैं, तो चिल्ड्रंस गो टू स्कूल, यहाँ पे चिल्ड्रंस हमारा क्या है सब्जेक्ट, गो वर्ब आ चुकी है हमारी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सी ई एस, यहाँ पे अब हम इसका साथ एस का यूज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा पर्सन है, टू स्कूल, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा आ चुका है। उसके बाद हम अब देखते हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव को। नेगेटिव सेंटेंस होते हैं सब्जेक्ट प्लस डज नॉट या डू या डज नॉट, जिसमें हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के बाद और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। जैसे कि राम क्रिकेट नहीं खेलता है, मैंने जैसे आपको बताया था इसमें हम नॉट का यूज़ करते हैं नेगेटिव में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे राम डज नॉट रीड बुक। राम डज नॉट रीड बुक या फिर राम डज नॉट प्ले क्रिकेट, यहाँ पे क्रिकेट नहीं खेलता है। दोस्तों अगर दो तरह से मान लीजिए आ जाए, तो मान लीजिए आ जाए राम किताब नहीं पढ़ता है तो आप वहाँ पे डज नॉट रीड का यूज़ करेंगे, और क्रिकेट नहीं खेलता है तो प्ले क्रिकेट। ये सेम ही है, ये नेक्स्ट वाला सेंटेंस भी बिल्कुल सेम ही है, वह किताब नहीं के पढ़ता ही डज नॉट रीड बुक। अब हमारा लास्ट है जो कि है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव की पहचान होती है दोस्तों डू और डज, इसमें शुरू में आएगा, उसके बाद हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़। जैसे कि क्या आप कहते हैं नहीं क्या वह सोता है, तो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे डज ही स्लीप। फॉर्म सेकंड है हमारा क्या वे खेलते हैं, डज दे प्ले, यहाँ पे देख। और एक और बात, इसके लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे, जैसे कि मैंने इन दोनों में कर रखा है। अगर आप क्वेश्चन मार्क का यूज़ नहीं करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी छोटी सी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।